चलिए चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम बेस। आज हम आपके लिए लिखे हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आविष्कार और आविष्कारक के बारे में बताएंगे। तो इसमें काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है आविष्कार और आविष्कारक के बारे में। तो चलते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब कोई वीडियो आए, नया वीडियो आए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज जे जे थॉमसन ने किया था। जिन स्टूडेंट को याद ना हो वो हमारे साथ 2 से 3 बार बोलेंगे तो उनको भी याद होगा, जैसे कि हम दो से तीन बार बोल देते हैं, एक क्वेश्चन का 2 से 3 बार हम बोलते हैं। तो देखिए, ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। जे जे थॉमसन ने, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। जे जे थॉमसन। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था। ये आपका है गोल्डस्टीन। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। ध्यान में रखिएगा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। चलिए बताइए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ये आपका है सही आंसर जेम्स चैडविक ने। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक का खोज किसने किया था। बताइएगा, नाभिक का खोज किसने किया था। चौथा नंबर क्वेश्चन, नाभिक का खोज किसने किया था। तो आपका सही आंसर है, रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। आते हैं पांचवा क्वेश्चन, डायनेमो का खोज किसने किया था। चलो बताइए, डायनेमो का आविष्कारक या खोज कौन था, या किसने किया था, कौन किए थे। ठीक है, तो चलते हैं, डायनेमो का खोज माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। तो चलते हैं, आपका है जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था परमाणु सिद्धांत? जॉन डाल्टन ने दिया था। सातवां नंबर क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था। रेडियो सक्रियता, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था। तो आपका आंसर है हेनरी बैक्यूरेल। याद रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है हेनरी बैक्यूरेल या परमाणु सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, हो सकता है कि आगे वाला एग्जाम आने में भी पूछ सके। तो याद रखिएगा, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। रेडियो सक्रियता हेनरी बैक्यूरेल ने। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम का खोज किसने किया था। चलिए बताइए, रेडियम की खोज किसने किया था। याद रखिएगा, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियम की खोज किसने किया था, वो मैडम क्यूरी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनामाइट का खोज किसने किया था। डायनामाइट, ये आपका है अल्फ्रेड नोबल ने। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल का किसने किया था। चलिए बताइएगा, पीएच स्केल का खोज किसने किया था। जिसका लास्ट आंसर है SP सोरेनसन। किसने किया था? SP सोरेनसन। 11वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का खोज किसने किया था। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार RRBJEE में, SSC में, फिर DRDO में पूछा गया था, ग्रुप डी में यहाँ तक पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने।
किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। दूसरा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का खोज किसने किया था? नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। याद रखिएगा, नाइट्रोजन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। तो अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? ऑक्सीजन का खोज किया था सीले और पिस्टले ने। किसने किया था? सीले और पिस्टले ने। याद रखिएगा, सीले और पिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अक्रिय गैस आर्गन का खोज किसने किया था? अक्रिय गैस आर्गन का खोज किसने किया था? ये आपका रैमजे और रेले ने किया था। रैमजे, दो नाम है, रैमजे और रेले, दोनों ने किया था अक्रिय गैस आर्गन का खोज। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का खोज किसने किया था? थोरियम, थोरियम का खोज आपका बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था थोरियम का खोज? बर्जीलियस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का खोज किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का खोज किसने किया था? तो ये बताइए, टेलीविज़न का खोज जे एल बेयर्ड ने किया था। याद रखिएगा, जे एल बेयर्ड ने टेलीविज़न का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है? याद रखिएगा, बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है, मतलब कौन इन्वेंट किए थे? ये आपका टॉरी सेली ने किया था। किसने किया था? टॉरी सेली ने। याद रखिएगा, टॉरी सेली बैरोमीटर का आविष्कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंस। किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंस ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो सही आंसर है, एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। दसवां नंबर क्वेश्चन है, दूरबीन का खोज किसने किया था? दूरबीन का खोज किसने किया था? चलिए बताइएगा, दूरबीन का खोज किसने किया था? तो सही आंसर है आपका, गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप इंजन का खोज किसने किया था? यह आविष्कारक किस कौन है? तो आपका सही आंसर है, जेम्स वाट ने भाप इंजन का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? तो ये आपका किया था फैराडे साहब ने। कौन किया था? फैराडे ने किए थे। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार कौन किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटेजन ने। किसने किया था? रोंटेजन ने। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुगणक का खोज किसने किया था? तो ये आपका है जॉन नेपियर ने। किसने किया था? जॉन नेपियर ने लघुगणक का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? क्या आपको याद रखना है, 6.25 मीटर। कितना होता है? 6.25 मीटर होता है छोटी आंत की लंबाई। आंत लिखा है यहाँ, आंत हो गया आंत की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत का भार, मतलब पुरुष में यकृत का भार कितना होता है? 1.4 kg से 1.8 kg। याद रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन, पुरुष में महिला में कम होता है 1.2 kg से 1.4 kg होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। ठीक है, यकृत होता है, यहाँ
यकृत में विटामिन का संग्रह होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक पूर्ण रुद्रभवन की क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक पूर्ण रुद्रभवन की क्षमता क्या होती है? तो बताइएगा इसका, यकृत में क्षमता किस में होती है? यकृत में होती है। 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, सबसे कम पूर्ण दुर्भमता की क्षमता किसमें होती है? सबसे कम उसमें सर्वाधिक था, तो सर्वाधिक किसमें हुआ था? यकृत में। और सबसे कम है, तो सबसे कम किसमें होगा? मस्तिष्क में। ठीक है, सब में सबसे कम मस्तिष्क में पूर्ण रुद्रभवन का क्षमता होती है। तो चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन था। तो हाँ, अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में जो क्वेश्चन है अगर वो आपसे बन रहा होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर आपसे क्वेश्चन मेरा पूरा बन गया। और जिसको जिनको नहीं बना है वो याद कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू। और एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।